चैनल किसी तरह के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता। हमारी कोशिश चीजों को वैज्ञानिक आधार पर पड़ताल करना है। शो को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं रचनात्मक दृश्यों का इस्तेमाल किया गया है। अंधेरी वीरान रातों में ये साये किसके हैं, कोई दिखता नहीं, फिर ये परछाइयां किसकी हैं? उसे कई लोगों ने महसूस किया है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, ये सब का अस्तित्व होता है। जिस तरह मानव जोनी है, उसी तरह भूत प्रेत पिशाच की भी जोड़ी है। विज्ञान नहीं मानता तो फिर इंसान ने कैसे किया महसूस? मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम 21वीं सदी की जगह अब 18वीं और 16वीं सदी में के अंदर वापस से प्रवेश कर रहे हैं। सवाल सरल है लेकिन जवाब सरल नहीं है। इंसान जिन चीजों को देखने का दावा करता है, विज्ञान उन्हें खारिज कर देता है, तो फिर उस एहसास का क्या, और उस एहसास के बाद उस डर का क्या? आज हम उसी एहसास और उस डर की वैज्ञानिक पड़ताल करेंगे। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रात तो रात, लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। कुछ ऐसी काल्पनिक शक्तियां हैं जिनके बारे में सोचकर ही लोग सिहर उठते हैं। जीवन के बाद मृत्यु, जीवन का कटु सत्य है। मृत्यु के बाद क्या? एक जगह पे एक काइंड ऑफ एनर्जी है। हम ये नहीं कहते कि जो एनर्जी है वो भूत है या नहीं है। ये जो एनर्जी है ये पैरानॉर्मल है। जो अभी जो नॉर्मल है चीजें, वो हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो क्या वाकई डरावनी शक्तियां होती हैं, या फिर ये हमारा वहम होता है जिससे इस डर का जन्म होता है? कोई इसे काल्पनिक मानकर नकार देता है, तो कोई इसे हकीकत मानकर स्वीकार कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है कि जो कभी दिखता नहीं, उसे कोई क्यों अनदेखा नहीं करता? अभी जो साइंस है हमारे पास, उसमें जो फिट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग पैरानॉर्मल कहते हैं। तो हम लोग कहीं पे भी ऐसे नहीं कहते कि ये भूत है, ये स्पिरिट है, इंसान से आया हुआ कुछ है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक गौरव तिवारी का शव उनके ही बाथरूम में रहस्यमय हालात में पाया गया। हालात इस ओर संकेत कर रहे थे कि गौरव तिवारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अगर कोई फांसी लगाकर अपने आप को मारना चाह रहा है, सबसे पहले उसका सांस घुटती है, जिसकी वजह से श्वास नली टूट जाती है। लेकिन गौरव तिवारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। गौरव की श्वास नली टूटी ही नहीं थी। यानी भूत प्रेतों के रहस्यों को सुलझाने वाले की मौत पहेली बन चुकी थी, जिसका तार उसी पैरानॉर्मल शक्तियों से जुड़ने लगा था।
मौत से पहले गौरव तिवारी इन्हीं रहस्यमयी शक्तियों पर काम कर रहे थे, इसीलिए उनकी मौत को इन नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर भी देखा गया है। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है। सवाल ये उठता है कि जो चीज दिखती ही नहीं है उस पर इतना विश्वास कैसे संभव है। विज्ञान ऐसी किसी भी अदृश्य शक्ति को मानने से इनकार करता है जो दिखती नहीं है। जाहिर है, पुख्ता सबूतों के बिना दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस एहसास का क्या? भारत में ऐसी कई जगहें हैं जिसकी पहचान ही ऐसी ही न दिखने वाली शक्तियों से है। आइए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इलाज के नाम पर होने वाली इस प्रक्रिया के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहता है। हमारे पास पेशेंट आता है या कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम पहले रूल आउट करते हैं कि कहीं उसे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। अगर हम इसको महज बीमारी मान लें तो वो कैसा एहसास होता है जो पीड़ित इंसान महसूस करता है? उस विश्वास का क्या जो लोगों का इन घटनाओं से जुड़ा होता है? इसको नेगेटिव ऊर्जा भी कह सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं। कई मानसिक बीमारियों में भी व्यक्ति को ये महसूस होता है कि वो लोग जो इस दुनिया में नहीं है उससे बात कर रहे हैं, उसे नजर आ रहे हैं, उसे बुला रहे हैं या उसे जाने को कह रहे हैं। इस बीमारी में कई लोग अपनी पिटाई भी कर लेते हैं और जानलेवा हमले भी अपने आप को कर लेते हैं। जाहिर है, इसको लेकर विज्ञान और तंत्र विद्या से जुड़े लोगों का अपना अपना मत है। जहां एक तरफ विश्वास करने वाले उन शक्तियों का जिक्र करते हैं जो दिखती ही नहीं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान इसे बीमारी करार देकर सही इलाज की सलाह देता है। पैरानॉर्मल शक्तियों पर विज्ञान और विश्वास के बीच मतभेद सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि उन यूरोपीय देशों में भी देखने को मिलता है जो विज्ञान की दुनिया में कहीं आगे बढ़ चुके हैं। यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में हैलोवीन नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। एक ऐसा मौका होता है जब इस दुनिया से जा चुके लोगों को धरती पर वापस उतारने की कोशिश की जाती है। पश्चिम के जिन देशों में यह पर्व मनाया जाता है उन देशों के लोगों का मानना होता है कि इस दिन इस दुनिया और उस दुनिया का फर्क मिट जाता है। इंसानों के साथ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी आत्माएं भी आबाद हो जाती हैं। ऐसा होने का कोई सबूत नहीं, लेकिन इस विश्वास को क्या कहेंगे? मृत आत्मा का जो मुखौटा लगा करके घूमते हैं तो उसके पीछे रीजन यही है कि वो मृत आत्मा हमें बख्शे, हमें जो है वो माफ करे। जो नेगेटिव एनर्जी हमारी जिंदगी में चल रही है, जिस भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारी जिंदगी में चल रही है, तो वो हमारी जिंदगी से दूर हो। मध्यकाल के दौरान यूरोपीय देशों में भूत प्रेत और आत्माओं का ये यकीन चर्च के लिए कारोबार बन गया था। चर्च के पादरी लोगों से पाप की माफी के बदले में मोटी रकम वसूलने लगे। भूतों पर भरोसा चर्च के लिए कमाई का जरिया बन गया। हिंदू धर्म में तो बाकायदा गुजरी हुई आत्माओं का आह्वान किया जाता है। इस काम को खास तौर पर अघोरी संप्रदाय करते हैं। काल मृत्यु मरे हुए जो परिवार के किसी के सदस्य होते हैं उनकी आत्माओं को कुछ समय के लिए मंत्रों के बल से उन्हें बुलाया जाता है और उनके परिजनों के सामने किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा करके उनकी पूरी बात सुनाई जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लगभग आधे अमेरिकी अलौकिक घटनाओं पर विश्वास करते हैं। ताइवान में 90% लोग भूत देखने का दावा करते हैं। जापान, कोरिया, चीन
और वियतनाम के लोग भूतों का महीना मानते हैं। इन देशों के लोगों के दावे में कितना दम है उसको लेकर हम दावा नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़ों के जरिए अलग अलग देशों के विश्वास को आप तक पहुंचाना है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डर की एक सी कहानी क्या सिर्फ नजरों का धोखा है या फिर इसके पीछे है मौत के बाद के वो रहस्य जिनसे दुनिया आज तक अनजान है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी घटनाओं को लेकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाउस व्हाइट हाउस भी अछूता नहीं रहा है। वहां देश के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परछाई को घूमते देखने का दावा किया गया। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि बाद में इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया था। हमारा जो दिमाग है हमने अभी तक पूरा उसको स्टडी किया नहीं है। द ह्यूमन ब्रेन उतना हम लोग ने स्टडी किया नहीं है तो हम लोग को पता नहीं कि ये ह्यूमन ब्रेन क्या क्या कर सकता है। इसीलिए ये जो सामने चीजें होती है शायद ये हमारे ब्रेन और हमारे सबकॉन्शियस की वजह से कुछ हो रहा है। हर इंसान का डर या भय से सामना होता है। सवाल उठता है क्या वाकई हमें वो चीज डराना चाहती है। कहते हैं आंखों देखी चीजें झूठ नहीं होती, तो फिर उन दावों को क्या कहा जाए जो पैरानॉर्मल शक्तियों को देखने का दावा करती हैं, और उन आवाजों को क्या कहा जाए जो पैरानॉर्मलिस्ट सुनने का दावा करते हैं। सुनाई देने वाली आवाज और उस आवाज से पैदा होने वाला डर सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। हालांकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो इस आवाज को अदृश्य ताकत से जोड़ते हैं। कभी क्या होता है कि किसी जगह पर यानी किसी घर में अगर किसी तरह की स्प्रिट आती है तो वो बहुत सारे शोर भी करती है, आवाज भी करती है, चीजों को डिसलोकेट भी करती है और लोगों के साथ मारपीट भी करती है, उनको नुकसान भी पहुंचाती है, उनको चोट भी पहुंचाती है। अगर पॉजिटिव साइंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है तो फिर पेशेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अब चलते हुए भी कई सड़कों पे देखते होंगे लोग अपने हाथ चला चला के इस तरीके से बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। इसको स्किज़ोफ्रेनिया में मटरिंग टू सेल्फ कहा जाता है। पैरानॉर्मल नाम से ही साफ है जो नॉर्मल ना हो। इस वजह से पैदा होने वाले डर को पैरासाइकोलॉजिस्ट 3 हिस्सों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला तरीका विचित्र किस्म का आभास जिसमें टेलीपैथी भी आ जाता है। दूसरा तरीका मस्तिष्क के जरिए कोई काम करना जैसे बिना छुए चम्मच मोड़ देना। तीसरा तरीका मृत्यु के बाद संवाद जैसे आत्माओं से बात करना। मेडिकल साइंस टेलीपैथी और मृत्यु के बाद संवाद को बीमारी मानता है, वहीं मस्तिष्क के जरिए काम करने को इंसानी ताकत मानता है। लेकिन पैरासाइकोलॉजिस्ट इसे परलौकिक शक्तियों की देन मानते हैं। अब जरा उन उपकरणों के बारे में जान लीजिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अदृश्य शक्तियों की खोज में इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो उपकरण में हम सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हमारे जो स्पेशल कैमराज होते हैं, जो नाइट विजन कैमराज होते हैं और वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं। उसके बाद हमारे ईएमएफ मीटर्स होते हैं जिससे कि हम जो है वो ईएमएफ की रीडिंग लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है हमारा उसकी हम रीडिंग लेते हैं। उसके बाद हमारे स्पेशल जो है वो थर्मोमीटर्स होते हैं
जो कि हम किसी भी अगर स्थान पर हम जाते हैं तो वहाँ पर कितनी जो है वो कितना तापमान है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम उसकी भी रीडिंग लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मोशन सेंसर्स हैं कि अगर किसी भी तरह की ऐसी पैरानॉर्मल कोई एक्टिविटी होती है तो मोशन सेंसर्स जो है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं कि हाँ वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है। लेज़र ग्रिड आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेज़र ग्रिड है, तो लेज़र ग्रिड की जो रोशनी है, रोशनी के अंदर में अगर इस तरह की कोई भी एंटिटी होती है, कोई भी ऐसी आत्मा या हम कहते हैं कोई भी पैरानॉर्मल अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो उसमें आराम से दिख जाती है। और लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं घोस बॉक्स। जब घोस बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये जो है किसी भी ऐसी अगर हमारे आसपास कोई ऐसी इंटेलिजेंट एनर्जी है तो वो घोस बॉक्स जो है उनके शब्दों को परिवर्तित करके हम लोगों से संवाद स्थापित करने में जो है हमारी मदद करता है। कैमरे ऐसे अनेकों तस्वीरें कैद करते हैं जो बताती हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। इन उपकरणों पर कितना भरोसा किया जाए? क्या इन उपकरणों पर भरोसा कर अदृश्य शक्तियों पर भरोसा कर लेना सही होगा? लेकिन जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य है उसे कैमरा कैसे देख रहा है? वैज्ञानिकों के मुताबिक डर का सीधा संबंध बचपन के खराब अनुभवों से है। बचपन में सुनी गई अदृश्य शक्तियों की कहानियां और बचपन में देखी गई हॉरर फिल्में मन की गहराई में बैठ जाती हैं, और जब भी कोई असाधारण वाक्या होता है तो ये स्मृतियां बाहर निकल आती हैं। लेकिन दिखने वाली आकृति का क्या राज है? विज्ञान इसे भ्रम कहता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारी आंखें देखती कैसे हैं। दरअसल किसी भी आकृति से रोशनी की किरणें टकराती हैं और लौट कर हमारी आंखों तक आती हैं तो हम उस चीज को देख पाते हैं। सामान्य कैमरा इसी आधार पर काम करता है। तो फिर ऐसा कैसे होता है जो चीजें कैमरा देखती हैं उसे हम नहीं देख पाते? कई बार सामान्य परिस्थितियों में आंखें अलग अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। बंकिंघम शायर यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कायरन ओकीफ के मुताबिक आंख की पुतली को बेहद कोने में पहुंचाकर अगर हम आखिरी छोर से कोई मूवमेंट देखें तो बहुत साफ नहीं दिखता है, सिर्फ काला और सफेद दिखता है। ऐसा लगता है कुछ विचित्र देखा है। 19वीं सदी से ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने आत्माओं की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कैमरों से खींची गई तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसे स्पिरिट फोटोग्राफी कहा जाता है। विलियम मॉमलर पहले स्पिरिट फोटोग्राफर माने जाते हैं, लेकिन उनकी खींची गई तस्वीरों की परछाइयां इतनी साफ नजर आती थी, सबको शक होता था कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं। आज भी ऐसी कई तस्वीरें आती हैं जिसमें परछाइयां साफ साफ नजर आती हैं। इंसान जो नॉर्मल ऐसे ही घूम रहा है उसको समझ में नहीं आएगा कि ये जो उसको दिख रहा है या महसूस हो रहा है वो एक्चुअली एक नेचुरल कॉज की वजह से है। तो हमारा जो प्रयास रहता है हमेशा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, हम आते हैं आपको दिखाते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे जो भी साइंटिफिक रीजन है वो हम लोग आपको ढूंढ के देते थे। विज्ञानवादी, बुद्धिवादी और तर्कवादियों के लिए मृत्यु के बाद उभरने वाली आकृति बहस का विषय है, लेकिन परा मनोवैज्ञानिकों के लिए ये हमेशा से शोध का विषय रहा है। भूत विद्या से आयुर्वेद का गहरा नाता रहा है, लेकिन इससे अंधविश्वास का कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका मतलब है कोई अदृश्य शक्ति। भूत विद्या मतलब ऐसी बीमारियों की पढ़ाई है जो अदृश्य या अज्ञात कारणों से होती है, यानी मानसिक बीमारियां। जैसे आधुनिक मेडिकल साइंस के अलग अलग ब्रांच और उस ब्रांच के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, ठीक उसी तरह से आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा,
कौमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाचीकरण और भूत विद्या। भूत विद्या जो है ये कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जैसे हैं हमारे ग्रहों के कारण जो लोग ये कहते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी कहता है, इन सबको वैज्ञानिक धारा पे उतारने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आयुर्वेद को महज औषधियों और जड़ी बूटियों के लिए जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में न दिखने वाली बीमारियों का इलाज भी है। इन भूतों यानी रोगों के 28 प्रकार होते हैं। जाहिर है इनके अलग अलग लक्षण होते हैं जिससे इनकी पहचान की जाती है और उसके अनुसार इलाज करवाया जाता है। लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक 90% मरीज इलाज कराने की जगह झाड़ फूंक के जाल में फंस जाते हैं। सैकड़ों सालों से हजारों देखी अनदेखी कहानियां कही जाती रही हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसे पुख्ता सबूत कहा जा सके। भूत प्रेत के भंवर में फंसे लोगों को विज्ञान बीमार बताता है और इस पर विश्वास करने वाले लोग इसे अदृश्य ताकत कहते हैं। वाकई इसका रहस्य अबूझ और अनसुलझा है।